कैसे आप सब, मैं आपका भाई ओपी और आप देख रहे हो ओपी व्लॉग। आज हम करने वाले हैं 24 आवर इन रिक्शा। क्या बात है, 7 बजने वाले गाइस। आज 7 बजे बैठेंगे और नेक्स्ट डे 7 बजे ही उतरेंगे रिक्शा। तो गाइस चलते हैं अपनी ई रिक्शा में बैठने के लिए। तो भाई फाइनल रिक्शा में बैठने जा रहे हैं। खाना बनाने का भी सारा सामान साथ लेंगे, सिलेंडर, चूल्हा। ओके, ये भाई हमारा गैस चूल्हा और ये सिलेंडर। तो भाई अभी 6:50 हुए हैं। भाई साहब तक कंबल लेने जा रहे हैं, हजों के तक ये भी चाहिएगा, कंबल भी चाहिएगा, सोना भी तो है भाई साहब, छत पे ये गद्दा भी बांध दिया। तो भाई 6:59 होगी, 7 बजने वाले हैं। जैसे ही 7 बजे तुरंत ई रिक्शा में बैठ जाएंगे। 7 बज गए, तो भाई 7 बज गए हैं, अभी बैठते हैं अपने ई रिक्शा में। तो फाइनली गाइस मैं तो बैठ चुका हूँ, तो भाई काले भी बैठ चुका है और अभी चीनू की बारी है, चीनू बैठेगा। ओ भाई साहब, ओकरा ओकरा क्या कर रहे हैं यार तू? अरे ऐसे बैठते हैं यार। तो फाइनली भाई ये दोनों भी बैठ चुके हैं, अभी रिक्शा को थोड़ा घुमाएंगे, बाजार बाजार चलेंगे। चले भाई, भाई ची की कह रहे मैं भी घूम के आऊंगी। रिक्शा चैलेंज नहीं करते आपको, वैसे घुमा देंगे अपने साथ। अगर आपने घुमा दिया था तो मैं आपको 20 रुपए दूंगी। राजा जी किराया देगी ये तो अभी रिक्शा वाला समझ रही है, किराया की बात कर रही है भाई। तो भाई सबसे पहला काम, पहले लेंगे सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च, तो सारी चीज लेके पहले अपना पूरी तैयारी करते हैं भाई खाना बनाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो चलते हैं गाइस अभी। भाई साहब अभी एक लड़की मिली, बोली मेट्रो छोड़ दो भैया, तो वही रिक्शा वाले समझने लगे सारे। अभी यहाँ से सब्जी लेंगे थोड़ी बहुत, मैं तो बैठा रहूंगा, बोल दूंगा भाई हमारे कैमरामैन को ले जाके ले आएगा। तो भाई सब्जी ले ली है, अभी चलते हैं सब्जी वब्जी बनाएंगे, कुछ टाइम ज्यादा हो गया है। जा पीछे जा, नीचे पैर लगा लिया तो आउट हो जाएगा, देख लियो। तो भाई थोड़ा फ्रूट ले लेते हैं, भाई केले ले लेते एक दर्जन। अभी अंगूर और ले रहे हैं, हाँ शेक बनाएंगे। तो भाई अभी दोबारा घर के सामने आ गए, अभी थोड़ा बनाना शेक बनाएंगे और उसके बाद अपना सब्जी रोटी की तैयारी करेंगे भाई। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। काफी टाइम तो ऐसे निकल जाएगा भाई हमारा खाना बनाने में ही। लूकर इसमें मिर्च प्याज टमाटर छोड़ के बाकी फ्रिज में रखिया और मिक्सी ला के दे दो। भाई ग्राइंडर और जग आ गया है, इसमें अपने आराम से बनाएंगे ऐसे करके, मजा आएगा। ये दूध आ गया, दुनिया का एक ऐसा जीव जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे, अभी एक्सटेंशन बोर्ड भी आ गया हमारा। तो फाइनली हमारा बनाना शेक तो रेडी है, अब इसको पियेंगे। भाई साहब कैसा गिलास, वाह भाई वाह, ऐसे करके पियेंगे इसमें तो। ले भाई चिनू, ले भाई काले, और भाई अब मेरी बारी। भाई साहब एक नंबर का मस्त। तो गाइस अब ये बैठेंगे नीचे और मैं छत पे बैठ के आराम से हरी मिर्च और प्याज काटूंगा और सब्जी बनाने की तैयारी करता हूँ, पर काट पीट के। तो करना, तो गाइस ऊपर चल के देखते हैं, कंफर्ट है वैसे, ऊपर देख लिया था मैंने पहले भी। ओ भाई साहब पूरा स्पेस, मिर्च प्याज हाजिर है, लाइए लाइए, थैंक यू। तो गाइस ये अपना छोटा सा चूल्हा और ये इसका सिलेंडर, इसमें फिट करके इसमें बनाएंगे खाना इसके ऊपर। रिकॉर्ड दिया जाता चिनू ने, अरे मैंने आप से लटको एक दिन से नीचे गया हूं मैं। इसमें वजन थोड़ा ज्यादा हो गया, इसकी दौड़ लगवानी पड़ा करेगी। प्याज कट गई, अब मिर्ची काट रहा हूँ। हमारा सिलेंडर लग चुका है भाई चूल्हे पे, यहाँ पे जल जाएगा, इसके नीचे कुछ रखना पड़ेगा है ना। ये फेंक के ना अखबार दे दियो। चिनू सो गया क्या नीचे? भाई साहब चिनू तो नीचे सो ही गया, और वो काले भी नीचे सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं भाई, मेरे को ही करना पड़ रहा है। भाई साहब कढ़ाई और चम्मच भी आ गया है, तेल, ओ तेल भी आ गया भाई। भाई साहब गैस तो चला दिया है, अभी तेल डालेंगे इसमें और भाई अभी बनाते हैं इसमें मिर्च प्याज की चटनी। जीरा डाल रहा हूँ पहले, ओके उठ लिया के। ओ भाई साहब ये कालिया भी उठ लिया मिर्च प्याज की खुशबू सूंघ के, देख फिर उठने से पहले पहले तैयारी भी कर दी मैंने, इधर सो लिया, मजा आ जाएगा। तो भाई साहब चटनी बन के तैयार है। तो भाई आटा आ गया है, अभी आटा गूंदेंगे। आटा दिए और ये आटा, अब भाई गूंद के दिखाता हूँ आटा। तो इसको छोटे बर्तन में खाली कर लेते हैं, जगह कम है इधर, चलो अंदर ही भेज देते, वैसे कर लाएंगे खाली। तो बाजू संगवा के आटा गूंदते हैं भाई, जिसको नहीं आता सीख भी लेना, बीवी माई के चली जाएगी तो काम करना पड़ सकता है भाई। तो
भाई आटा भी गुंद गया है, अभी रोटी बनानी बाकी है। तो यार रोटी तो हमें ऐसी जगह बनाए जहाँ पे पब्लिक को वो देखे भाई वो क्या कर रहे हैं ऊपर बैठ के रोटी उसी में बना रहे हैं, तो पब्लिक के रिएक्शन आएंगे। ये देखो भाई ये आटा मैंने गूंद के लेट जी भी ना गूंद होगी इस आटा गूंद दिया भाई साहब। तो भाई रोटी का सारा सेटअप रेडी है, ये सोच रहा हूँ कहाँ जाके बनाऊँ ताकि पब्लिक रिएक्शन हो जाए। तो रोड पे चलेंगे गाइस, रोड पे जाके बनाएंगे। तो भैया गैस सिलेंडर और चाहिएगा, कभी रस्ते में गैस खत्म हो जाए। खत्म हो गई लग भाई इसमें तो भाई साहब अंडा क्या दबाए हमने भाई साहब, तुम क्या दबाएगा तू? मैं सोचा वो ग्रिल लग जाएगी मेरे, तो दिल दिखा एक बार कैमरा मैन ने देख दी नीचे थी। तो भाई मैं चीनू को उठा देता हूँ। चीनू चीनू रहा है चाचा बोल रहे हैं पानी डालो क्या भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? बोला सुनने नहीं देता कोई। सिर बचा के ओ भाई साहब ये लगती भाई साहब ये। तो गाइस अभी चलते हैं बाहर रोड पे, वहाँ कई रोटी बनाए खाएंगे। चुनू भी उठ लिया है, अब इसकी मम्मी को और बुलाते हैं फिर चलते हैं। भाई मैडम भी आ गई है। तो गाइस मैं तो ऊपर लेट के चलूंगा भाई, मजा आ रहा है ऊपर लेटने में। भाई साहब मौसम भी बढ़िया हो गया, बादलों में छुप गया सूरज, और भाई डर भी लग रहा है मेरे को इसके चलाने से, कहीं ये रिक्शा इन्हें लुटका दे। बाकी लेट के चलने में मजा आ रहा भाई साहब, राजा जैसा फील हो रहा है। ओ भाई आराम से ओए, ओ भाई भाई साहब टेढ़ी मेढ़ी मत चला ओए। बाहर रोटी बनाएंगे, छत पे बैठ के बनाऊंगा मैं तो। भाई साहब सब देख रहे हैं। तो गाइस यार रोटी बनाएंगे, अभी हवा तेज है, अगर हवा ज्यादा लगे तो भाई नीचे बनानी पड़ेगी, अगर गैस सिलेंडर बुझेगा तो भाई। तो भाई चीनू पर जब आया जब ये हमने अपनी रिक्शा रोक ली। ठीक है समरिया। चकला भाई आ गया है। ओ भाई साहब ये चकला पता नहीं अंडा मांगा है। तो भाई रोटी बनाते हैं, रोटी देखो भाई एकदम गोल भाई, बीच रोड पे रोटी बना रहे हैं भाई, वो भी छत पे बैठ के। तो भाई अभी रोटी सेकने जा रहा हूँ मैं। इतनी ना होती सही है ये। बीच रोड पे खड़ा क्यों बना रहे भाई साहब आप? अरे घर वाले निकाल दिया यार। तो भाई ये तो रोटी खा रहे हैं नीचे, भाई साहब कैसी लगा खाना? तो भाई रोटी तो बन गई, सबने खा ली, मेरी मैडम और मैं रह गए खाने के लिए। ये देखो भाई क्या बुरा हाल हो गया। तो यहाँ से खा के रोटी अब घर की तरफ चलते हैं। फोन की बैटरी भी थोड़ी सी रह गई, तो इसको अंदर कमरे में लगवा दो चार्जिंग पे, इतने में आराम करूंगा थोड़ी देर भाई। तो भाई नीचे उतर रहा हूँ, रोटी आराम से खाऊंगा नीचे बैठ के थक गया। ओ भाई साहब दुखी हो गया ऊपर यार, रोटी खा लेता हूँ भूख लगी भाई। ओ जबरदस्त, इसके आगे पनीर भी फैला। तो भाई रोटी खाली मुंह चल गया, तो रिक्शा में पानी है नहीं, तो यहाँ से निकलते हैं भाई। भाई चीनू को ससुर लगती है, करने लग गया खड़ा हो गए। तो भाई घर पे आ गए हैं। A few moments later. तो भाई चाय भी बना ली हमने, और भाई साहब अभी चाय पी के मट्टी खा के बात करते हैं भाई आपसे। तो भाई चाय तो पी ली है भाई, एक दो घंटा सोऊंगा क्योंकि रात में यार पता नहीं किस टाइम नींद आएगी। भाई मैं तो मस्त ऊपर लेट रहा हूँ भाई आराम से, मैंने ऑटो अंदर खड़ी करवा ली। ओ चीकी भी आ गई भाई, कालिया तो सो गया, और चीनू भाई पढ़ रहा है कल पेपर है चीनू का, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है बेटे है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं भी सो ही जाता हूँ ऊपर, मैं तो उठ लिया अभी, इनको भी उठाते हैं और अभी चलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो गाइस मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी नीचे बैठूंगा अंदर, नहीं तो इसका भरोसा नहीं है ये ऊपर, ये चोट लग जाएगी मेरे, ये नजदीक है ना यहाँ लग सकती है। तो गाइस अभी चलते हैं बाजार की तरफ। ये भाई गैंग वाले भाई मिलने आए हैं चीनू से। भाई साहब कहाँ तक चॉकलेट कहाँ तक फैल रही भाई साहब, अभी हाथ वाथ धोके निकलते हैं घर की तरफ। भाई अभी हम मार्केट से तो आ चुके हैं, अभी हम यार ऐसे ही घूम रहे टाइम पास करने के लिए। टाइम कितना होगा दिखाई अकबरी भाई। तो भाई अभी हम 7:10 हो चुके हैं सर, अभी तो हमें 12 घंटे और हैं। तो भाई यार अभी घर जा रहे हैं, टाइम ज्यादा हो गया, अभी खाएंगे पियेंगे फिर दोबारा ऐसे घूमने चलेंगे। तो भाई घर पे पहुंच गए हैं, अभी खाना बनाएंगे, और यहाँ पे अब बनाएंगे नमकीन चावल। भाई सर्दी लग रही है थोड़ा सा, हाथ सेक रहे हैं भाई। भाई मैं भी हाथ सेक रहा हूँ। तो भाई अभी बनाते हैं नमकीन चावल। नमकीन चावल तो भाई मेरे फेवरेट, तेरी तो खाने पीने की सारी चीज फेवरेट होती है। तो मिलते हैं गाइस आपको इसको रेडी होने के बाद। तो भाई चावल तो बन चुके हैं नमकीन वाले, तो अब इनको डाल देता हूँ पहले, और भाई पहले खाते हैं चावल उसके बाद बात करते हैं आपसे भाई। तो भाई खाना वाना खा लिया है, अब टाइम हो गया है, कितना दिखाई टाइम दिखाई जल्दी भाई, 9:20 हो गई है। तो अभी जा रहे थोड़ा और टाइम पास करने बाजार की तरफ, अब मैं अपनी मैडम को भी लेके जा रहा हूँ। तो भाई मेरे यहाँ दोस्त है, उन दोस्तों को भी ले आया मैं दोस्त की फैमिली आई है।
और हमारी रिक्शा बिल्कुल फुल हो चुकी है। अब दो तीन घंटे का पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी, यहाँ से मजाक करते हुए जाएंगे भाई। अब इतने भारी भारी आदमी बैठ गए, लोड पूरा ले रही है गाड़ी। यो मेरे दोस्त की बहू इतनी मोटी है, कई सवारियां के बराबर एक है। भाई साहब कितने सुनसान रोड पे आ गए, चारों तरफ भाई जंगल ही जंगल है भाई। भाई ऐसे खतरनाक से जंगल में आगे, इधर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और कुछ नहीं है। अब पता नहीं टाइम पास करने के लिए पता नहीं कहानी के लिए आए, काफी देर होगी मेरे ख्याल 11 से ऊपर का टाइम हो गया लग रहा है मेरे को। दूर दूर तक दिखाइए भाई कैमरामैन कैसी जगह है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो गाइस अब हम ना चीनू को डराएंगे बहुत गंदे वाला, ठीक है? चलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? सब पीछे देख क्या है? चीनू आउट, इतना डर गया जम के अंदर। भाई ये खुश है, तसल्ली से बाहर घूम सकता हूँ। चीनू के लिए एक आवाज चला दी, मैंने बोल दिया पीछे कुछ है, उधर कैसा भाग गया और रास्ता भी नहीं मिल रहा, बंदा ऐसी जगह भाग रहा जंगल के अंदर, ये तो कोई तो बाहर निकल रही अंदर ही भाग रहा। कभी सचमुच में ही कुछ आ जाए तो निकलना ही बेहतर है भाई। भाई साहब कुत्तों की फौज खड़ी है भाई हमारे स्वागत में, 7 कुत्ते। तो भाई फाइनली अपने दोस्त को छोड़ दिया है, तो अब इनको छोड़ के जा रहे हैं अपने घर। नाइट बाय। और टाइम देख सकते हो कितना हो गया, 1:06। तो भाई साहब अब चल रहे हैं घर की तरफ, अब आराम करेंगे, जाते ही सोएंगे भाई, थक गए पूरे दिन चला चला के रिक्शा। तो भाई घर पे तो आ गए हैं भाई, टाइम 1:35 हो गया है, तो रिक्शा को हम गेट के अंदर लगाएंगे। इधर ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा, ठंड आज कुछ ज्यादा ही है। तो गाइस मैं तो जा रहा हूँ पर सोने, क्योंकि यहाँ हवा नहीं चलेगी, बाहर तो भाई ठंड में मर जाते। तकिया दे दो भाई, भाई लेटने के बाद इतनी शांति मिल रही है। The next morning. Good morning guys. तो ये तो सो रहे हैं, चलो भी इनको उठाते हैं क्योंकि 6:30 बज चुके हैं। चलो गाइस इनको उठाते हैं, उसके साथ भी करेंगे। इसका सोने का तरीका देखो, क्या सीन है। सोने गुड मॉर्निंग हो गई, चैलेंज कंप्लीट ना करना के। अरे 7 कंप्लीट हो जाएंगे, 6:30 हो गए। बाद में कर लेंगे चैलेंज। उठो। गुड मॉर्निंग गाइस, नींद तो बहुत गंदे वाली आ रही है, 2 सोए थे तो, लेकिन 6:30 बज गए अभी। तो भाई अभी बाहर निकाल रहे हैं इसको, बस आधा घंटा और हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा गाइस। डर लग रहा है इसके साथ बैठते हुए, ये गड्ढे बहुत है इधर। भाई मैं चला लूं ना, मैं ले चल लूं। बल्टी देगा, जब मैंने आपसे पहले कही थी आप चला लो, आप भी तो ना मानते। बजा के यार गड्ढा था, बजा दी। अरे यार ये इसने मैनू पता था ना, चाले गड्ढे में देख यार पलटनी थी, इसमें बजा ली इसने थी। तो भाई फाइनली हमारा चैलेंज पूरा होने ही वाला था, और मैं कालियों को मना करता रहेगा भाई तेरे से नहीं चलेगी गड्ढो में, एकदम बजा दिया भाई, हमारी रिक्शा ही पलट गई भाई, पर हमारा चैलेंज तो भाई बेकार हो गया। सिर्फ मात्र 20-25 मिनट की वजह से हमारा पूरा चैनल खराब करवा दिया कालिए ने। तो भाई पैर में भी चोट लग गई। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है ओपी का, तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।